जब लेफ्ट की क्रांति की बात होती है तो लाल क्रांति की बात होती है, वायलेंस की बात होती है, नक्सलिज्म की बात होती है, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको अर्बन नक्सल बोला जाता है जेएनयू में, तो ऐसा क्यों है? इसलिए आपके सामने एक विश्वविद्यालय में बतौर अध्यक्ष मैं बैठा हुआ हूँ, बंदूक के दम पर नहीं, बात करके, कल कॉपी कलम किताब से, अपनी आवाज़ के साथ, और मैं बंदूक के सशस्त्र क्रांति को पूरी तरह से नकारता हूँ। प्रेसिडेंट रहे कन्हैया कुमार और वाइस प्रेसिडेंट रही शैला राशिद, तो कन्हैया जो है वो कांग्रेस में चले गए और शैला जो है अभी कहीं और। हाँ, बीजेपी का दामन था। मैं लेफ्ट सपोर्टेड तो प्रियांशी नहीं है, छात्र सपोर्टेड है। मैं क्लियर, देखिए बापसा कब आया है, बसपा कब आया है, तो इससे अम्बेडकर नहीं होते हैं, ठीक ना। सिर्फ अम्बेडकर किसी के जागीर नहीं, पहली बात तो ये। सावरकर त्रावणकोर के महाराजा को जो वहाँ का रहते हैं उनको लिख, जब त्रावणकोर का बोलता है कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, तो उसकी तरफदारी करता है सावरकर, बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा ये त्रावणकोर, उसके पक्ष में खड़ा होता है, तो शुरू से तोड़ने की बात कर रहा है। जय भीम एवरीवन, आज हमारे साथ खास मुलाकात में है धनंजय। धनंजय जो है छात्र संघ के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी हाल ही में चुनाव हुए उसमें धनंजय ने काफ़ी अच्छे वोटों से जो है जीत हासिल की। धनंजय 27 साल बाद जेएनयू में एक दलित प्रेसिडेंट चुने गए हैं और जेएनयू के इतिहास में दूसरे दलित प्रेसिडेंट हैं। जो इस बार का छात्र संघ है उसमें एक नहीं दो दो दलित हैं, और दूसरी दलित जो है वो प्रियांशी आर्या हैं, जो बापसा की कैंडिडेट हैं जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर। तो इस एपिसोड में हम धनंजय से बात करेंगे, जानेंगे जेएनयू की राजनीति के बारे में कि कैसे जेएनयू की राजनीति जो है बदल रही है, किस तरीके से जो है राइट विंग नैरेटिव जो है जेएनयू में बढ़ता जा रहा है, और हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे और अम्बेडकरवादी विचारधारा के भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धनंजय, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया बहुजन लाइव्स मैटर का कि हम लोगों को जेएनयू की राजनीति को इतना बेहतर समझने के लिए और जेएनयू को मीडिया में और सोशल मीडिया में मौजूद रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बार का जो चुनाव हुआ, 4 साल बाद चुनाव हुआ, किस तरीके से अलग था इस बार का चुनाव? बिल्कुल, एक जो चुनाव था ये 4 साल बाद और एक भारी गैप समझ लीजिए। तो जेएनयू एक ऐसा कैंपस है कि जहाँ पर आप देखते हैं कि हर साल नए छात्र आते हैं और जेएनयू को समझते हैं, जेएनयू की राजनीति को समझते हैं, जेएनयू के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहने का मतलब कि पॉलिटिसाइज होते हैं कि समाज की जो जिम्मेदारी है, समाज की जो चिंताएं हैं उसको जेएनयू बताता है, जेएनयू बातचीत में अपने रखता है। उसके साथ साथ सिर्फ कई कई हिंदुस्तानी समाज नहीं, सिर्फ कैंपस के इशू नहीं, देश दुनिया तमाम जगह की बातें हम यहाँ पर बैठ के करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक गैप रहा छात्रों के बीच में चुनाव ना होने की वजह से। चुनाव होते हैं तो छात्रों के मुद्दे सामने आते हैं। क्या कारण रहे जिनकी वजह से चुनाव? बिल्कुल, प्रशासन चाहा कि चुनाव किसी तरह से ना हो। चुनाव होते हैं तो छात्र, मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिसाइज होते हैं और अपने हक और हुकूक के लिए खड़े हो जाते हैं, और इसलिए भी खड़े होते हैं कि ताकि जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितने भी लोग लड़ रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में वो मुद्दे आ सकें, इसके लिए बोलना शुरू कर देते हैं। तो प्रशासन नहीं चाहता है कि चुनाव हो, चुनाव होगा तो लोग एक साथ आ जाएंगे, छात्रों की आवाज़ एक हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, तो उनकी जो भी पॉलिसी है एंटी स्टूडेंट पॉलिसी वो पास नहीं करवा पाएंगे, तो ये एक डर रहता है उनको, और इसी वजह उसकी वजह रही कि चुनाव ना करवाया जा रहा था और उनका साथ दे रहा था परिषद। आप देख रहे हैं कि मारपीट तक किया जा रहा है कि चुनाव को किसी तरह से रोका जाए। मारपीट के भी मुद्दे हुए, मारपीट हुआ है यहाँ पे। आप देखिए कि 9 तारीख UGBM हुआ, यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग, वहाँ पे छात्रों को मारा गया, कॉमन छात्रों को मारा गया परिषद के द्वारा। AAP के गुंडे जो हैं यहाँ पे वो मारपीट करते हैं, उसके बाद अलग अलग स्कूल GBM में मारपीट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक और तरीका इख्तियार कर रहे थे कि कम से कम मारपीट करके हम चुनाव बंद करवा देंगे, और उनको ये भी है कि वो जीतने वाले तो हैं नहीं इस कैंपस में। तो यही रहा कि चुनाव इन्होंने सोचा कि ना हो, लेकिन छात्रों की एक मजबूती रही कि इस कैंपस का हर एक छात्र, इस कैंपस में जमहूरियत बहाल हो, डेमोक्रेसी बहाल हो, इसके लिए खड़ा रहा, इसके लिए संघर्ष करता रहा। आप देखिए कि हर समय
जो DOS है, डीन ऑफ स्टूडेंट है, वहाँ पे लोग मौजूद रहें कि इस कैंपस में हमें चुनाव चाहिए। तो एक बड़ी लड़ाई थी चुनाव करवाने की, दूसरी बड़ी लड़ाई थी चुनाव जीतने की, और हम दोनों जगह सक्सेसफुल हुए। इस बार देखा गया कि AVP को काफ़ी अच्छा वोट मिला है, तो और लेफ्ट जो है वो यूनाइट होके लड़ा है, तो क्या वजह है? मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश भर में एक फिनोमेन चल रहा है कि आप देखेंगे कि पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी AVP के साथ लगी हुई थी, सब बोल रहे हैं कि AVP अकेले है, लेफ्ट मिलके लड़ रहा है। आप देखेंगे इस कैंपस के प्रोफेसर्स क्लास में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो RSS के प्रोफेसर हैं वो लगे हुए थे चुनाव में, इस कैंपस का प्रशासन वो लगा हुआ था AVP को चुनाव जिताने में, पूरे देश की सरकार पूरी ताकत आप देख रहे हैं ना। कुछ दिन पहले बंगाल से BJP के नेता, बड़े बड़े नेता आते हैं, राजस्थान के नेता बुलाए जाते हैं BJP के कैंपस के अंदर बुलाए जाते हैं छात्रों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो पूरी ताकत, जितनी ताकत है इनके पास ये लगाते हैं, लेकिन यहाँ छात्रों के सामने, छात्रों की आवाज़ के सामने टिक नहीं पाते हैं। वोट की संख्या बढ़ी है, ओवरऑल 73% वोटिंग हुई है इस कैंपस में, और ऐसा नहीं है कि पिछले बार भी 1000 वोट से हमारी जीत दर्ज की गई थी, इस बार भी हम तकरीबन 1000 वोट से जीत दर्ज किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत चिंता है। हाँ, ऐसे विचारधारा को और कम वोट मिलना चाहिए, इस बात को हम मानते हैं, जो नफरत की विचारधारा है, जो लोगों को बांटने पर की विचारधारा है, जो बिल्कुल ही शिक्षा से जिसको मतलब नहीं है, जो नहीं चाहता है गरीब का बच्चा पढ़े, मजदूर का बच्चा पढ़े, तो ऐसे विचारधारा को हमको नेस्तनाबूद करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है। यहाँ पे जो समाज के हित के लिए नहीं है, सबके हित के लिए नहीं है, वैसी विचारधारा चुनाव लड़ रही है और वोट भी पा रही है, तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये धीरे धीरे AVP का, BJP का, या कहें RSS का, यहाँ पे बेस किस तरीके से मजबूत हुआ है? एक तो देखिए, एक है कि प्रशासनिक स्तर पर जो लोगों की बहालियाँ हुई हैं उसमें BJP RSS के लोगों की भरपूर भर्तियाँ हुई, टीचिंग स्टाफ जो फैकल्टी में जिस तरह की बहालियाँ हुई हैं, नई बहालियाँ आप उठा के देख लीजिए, किस संगठन को करते थे, किस संगठन के, पहले आरोप लगता है कि पहले जो है लेफ्ट के लोग हुआ करते थे, पहले लेफ्ट के लोग हुआ करते थे, कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, अम्बेडकराइट हुआ करते थे, BJP के भी लोग हुआ करते थे, लेकिन शर्त ये होता था कि बेहतर पढ़ाने वाले लोग, शर्त ये होता था कि बेहतर क्रिटिकल शिक्षा देने वाले लोग, शर्त ये होता था कि उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, ये शर्त था। आज का शर्त बदल गया है प्रोफेसर होने के लिए, आज का शर्त हो गया है कि आपको सिर्फ एक विचारधारा को मानना होगा। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, क्या पढ़ाते हैं सब जानते हैं, उनको तो क्लास में स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर आप पढ़ के आइएगा, तब पढ़ाइएगा। अच्छा, हमें ये सिचुएशन, हाँ ये सिचुएशन है, नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उनको तो भेजा गया है किसी और मकसद से, पढ़ाने के लिए तो भेजा नहीं गया है। तो वही है कि ये लोग क्लास में इसी तरह से घुस रहे हैं, हमारे बीच में इस तरह से घुस रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, PhD का झांसा दे रहे हैं, PhD करवा देंगे तुम्हारा, PhD में एडमिशन दिलवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, सारे झांसे तो चल रहे हैं यहाँ पे भी। तो लोग, बहुत सारे छात्र हैं कि बहलते भी हैं, लेकिन एक मजबूत रीढ़ वाला छात्र जो है, जो अपने दम पर अपनी लड़ाई करके अपने संघर्ष के दम पर इस कैंपस में आया, उन झुकता नहीं, और इस ऐसे छात्रों की संख्या ज़्यादा है इस कैंपस में जो हर समय तने हुए रहते हैं। ऐसा जो है, हमने देखा कि पहले के जो 2015 के प्रेसिडेंट रहे कन्हैया कुमार, और वाइस प्रेसिडेंट रही शैला राशिद, तो कन्हैया जो है वो कांग्रेस में चले गए और शैला जो है अभी कहीं और, BJP का दामन था। तो ऐसा का जो कैडर है वो इतना वीक कैसे है? मुझे नहीं लगता है कि ये वीकनेस का पहचान है, ये कह लीजिए कि ऐसा एक मास ऑर्गेनाइजेशन है और समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग इसमें शामिल होते हैं, समाज के अलग अलग तबके से लोग शामिल होते हैं, बहुत लोग रहते हैं, अगर 10,000 लोग जुड़ते हैं तो 10-20 निकलते भी हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। आप देखिए ना कि हम जैसे मीडिया है, उदाहरण ऐसे लोगों को बनाती है कि जो छोड़ कर चले गए, उदाहरण उनको नहीं बना रही कि जो खड़े रहे, जो मजबूती से
अपनी आइडियोलॉजी को, अपने विजन को जनता के बीच में ले जाते रहे। आप उदाहरण देख लीजिए, सुचिता डे 2012 में वो अध्यक्ष, छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर आती हैं। यही सड़क के पीछे है कुसुमपुर पहाड़ी बस्ती, वहाँ पर मजदूरों के साथ मिलकर वो सालों से काम कर रही हैं, उनके हक हकूक की बात कर रही हैं। इधर बगल प्रियंका गांधी कैंप है, वहाँ पर बात कर रही हैं। इसी कैंपस में देख लीजिए श्वेता राज, आज ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन जो है एक्टू हमारा जो ट्रेड यूनियन है उसमें है। अभिषेक हैं, कॉमरेड अभिषेक, इसी कैंपस के हैं, वो भी मजदूरों के साथ मिलकर काम करते हैं। और यही जो मजदूर हैं यहाँ पे सब एक्टू से जुड़े हुए हैं। तो और आप देख लीजिए कि ऐसे और भी लोग, कॉमरेड चंदू की विरासत से हम लोग हैं जो वामपंथ की राजनीति को सिवान तक ले जाते हैं, सिवान में और गोली खाकर शहीद होते हैं। तो हम उनको क्यों नहीं अपना हीरो बनाते हैं? मीडिया हमेशा ऐसे लोग को या फिर कोई भी लोग इस तरह से देखते हैं कि ये छोड़ दिए तो हाय तौबा मच गया। लेकिन जो हैं, जो मजबूती से खड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं मैदानों में, मुझे लगता है उनको दिखाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैंपस में एक और संगठन है बापसा जी। तो खबरों में आया कि बापसा की जो कैंडिडेट हैं वो लेफ्ट सपोर्टेड कैंडिडेट हैं, और बापसा ने एक कंडेम भी किया इस चीज़ को कि हमसे जो है परमिशन नहीं लिया गया, हमारा कंसेंट नहीं था। और प्रियांशी का फ़ोटो जो है बाकी के जो लेफ्ट का पैनल है उसमें स्वाति को रिप्लेस करके प्रियांशी का फ़ोटो डाला गया, तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए, पहली बात तो लेफ्ट सपोर्टेड तो प्रियांशी नहीं है, छात्र सपोर्टेड है। मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेजेस आ रहे थे तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से भेजना शुरू किया। इसमें मैं कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि और छात्रों ने जिताया, छात्रों के वोट से जीते हैं। सिर्फ मैंने भी वोट दिया है, मैंने भी प्रियांशी को वोट दिया है। लेकिन यही है कि आप इस कैंपस के छात्रों की मैच्योरिटी देखिए ना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखिए, कि लेफ्ट के एक जो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर नामांकन जिनका होता है कॉमरेड स्वाति का, उनका रद्द हो जाता है 7 घंटे पहले। और 7 घंटे के अंदर, वो रात का वक्त है और सुबह जब छात्र आते हैं पंक्तियों में लगते हैं, तो उनकी मैच्योरिटी देखिए कि उनको ये बात पता है कि किसको हराना है और उसके लिए जाके वोट देते हैं, एपी को हराते हैं वहाँ पर। ये जिम्मेदारी समझते हैं सब, और हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इस कैंपस में ऐसी ताकत को हराना है जो छात्रों के हित के खिलाफ है, जो देश में जहर भरने का काम कर रही है, छात्रों के बीच में जहर बोने का काम कर रही है। तो ऐसी ताकत को तो हम हराएंगे, तो ये हमारी प्रायोरिटी है। और जिसमें प्रियांशी जीतती हैं, जैसे प्रियांशी आती हैं, और बतौर लेफ्ट संगठन एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे विचारधारा का समर्थन करें कि जो इस कैंपस में है, संघर्ष कर रहा है। मैं कभी मानने से इनकार करता हूँ कि बापसा इस कैंपस में, मतलब जो छोटे मोटे और संगठन उनसे तो बेहतर ही करता है। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि छात्रों की पॉलिटिकल मैच्योरिटी को भी देखना चाहिए इसमें। अब छोटे संगठन किन किन संगठनों को बोल रहे हैं? छोटे संगठन इन द सेंस के जो चुनाव में उतरते हैं, सिर्फ ज़मीन पर बहुत कम दिखाई देते हैं। और इस कैंपस की, वही मैं बोल रहा हूँ कि छात्रों की राजनीति ऐसी मजबूत है कि वो उनको तोलते भी, तोल भी देते हैं कि आप कब रहते हैं हमारे साथ खड़े, आप कहीं नहीं रहते हैं हमारे साथ खड़े। जब हम कैंपस खुलवाने के लिए लड़ रहे होते हैं, जब कोविड के समय खड़े रह रहते हैं गेट खुलवाने के लिए, या फिर कोई भी लड़ाई ले लीजिए इस कैंपस का, जब हम मौजूद रहते हैं छात्रों के बीच में, यही मजदूरों की लड़ाई है, 3-3 महीना पर तनख्वाह नहीं मिलता है इनको, वहाँ पर हम लोग रहते हैं, खड़े रहते हैं हर जगह, हर मोर्चे पर खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे कई संगठन जो चुनावी संगठन हैं नहीं मौजूद रहते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ जात धर्म इलाका इसके नाम पर वोट आ जाएगा, तो ये तो ऐसा तो कैंपस है नहीं। अच्छा, जात की राजनीति जो है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं, जैसे कि बोला गया कि दलित प्रेसिडेंट हैं इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम जात की राजनीति करते हैं, बिल्कुल करते हैं जात की राजनीति, इसको इनकार करता हूँ मैं कि हम जात की राजनीति करते हैं। आप लोग को या फिर किसी को भी क्या मेरा संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा है? मैं पिछले 10 साल से ऐसा कर रहा हूँ, इसी कैंपस में घूम घूम कर, कभी साबरमती पे बैठ कर गीत गा रहा होता हूँ, कभी प्रोटेस्ट में भाषण दे रहा होता हूँ, कभी किसी और जगह पे गीत गा रहा होता हूँ, नाटक कर रहा होता हूँ। मैं जितने तरीके हैं,
छात्रों के बीच में जाने के लिए, छात्रों के हक की बात करने के लिए, उतने तरीकों में मैं अपने आप को रखता हूँ, उन उन तरीकों से मैं उनके पास जाता हूँ पिछले 10 सालों से। आप देख लीजिए कि 2014 में मैं बीए में आया हूँ, और उस समय से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई वो काम करूँ, मेरी जिम्मेदारी है ये कि अगर रोहित वोमला की सांसारिक हत्या होती है तो वहाँ पर मेरा खड़ा रहना, उस प्रोटेस्ट में शामिल होना मेरी जिम्मेदारी है। पहले मैं बीए में हूँ, लेकिन इतनी समझदारी है मुझ में। आप देख लीजिए, वोमला जो है लेफ्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल क्रिटिसाइज। मैं बोलता हूँ कि क्रिटिसाइज करने से दिक्कत क्या है, मैं बोलता हूँ कि लोग अगर एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो बेहतरी कैसे होगी। क्रिटिकल अप्रोच रखना किसी के भी प्रति, मुझे नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत है। नफरत करना दिक्कत है उनसे जो आपके साथ है, तो मुझे लगता है कि यही बात है ना। और वही देख लीजिए कि उस समय FTI में भी आंदोलन चल रहा है, ओकुपाई UGC का भी आंदोलन चल रहा है 2013-14, JNU को बदनाम करने की कोशिश, शटडाउन, JNU जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, हर जगह मेरी मौजूदगी है। उसके अलावा आगे अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा बन रहा है वहाँ पर नया नया। उसके बाद JNU में आता हूँ, JNU में पहला दिन में प्रोटेस्ट में 5 जनवरी को रहता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आप मेरे संघर्ष को बहुत लोग नहीं देखे, लेकिन मेरे संगठन के लोगों ने देखा, क्योंकि यही बात है ना कि संगठन में जो संघर्ष कर रहे होते हैं हम, तो हम जात नहीं पूछते हैं। अच्छा, जैसे कि एक आरोप और लगता है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कि ये अप्रोप्रिएट करने लगे हैं अंबेडकर को, अब जय भीम के नारे लगाने लगे हैं जब से बापसा JNU में आया है, उससे पहले जो है ऐसा नहीं होता था। देखिए, बापसा कब आया है, बसपा कब आया है, तो इससे अंबेडकर नहीं होते हैं, ठीक ना। सिर्फ अंबेडकर किसी के जागीर नहीं, पहली बात तो ये, अंबेडकर हर उस मजलूम के आवाज़ों में साथ रहते हैं जिन पर दमन हो रहा है, जहाँ देख लीजिए कि संविधान पर हमला पुरजोर है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अंबेडकर के संविधान को बचाना, अंबेडकर के आइडियाज़ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। और इसमें हम जब वो बात कर रहे हैं बार बार कि हम हाशियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हाशिए पर के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें अंबेडकर का नाम आना लाजिम है। और दूसरी बात है कि जहां हमारे संगठन का सवाल है कि हमारा संगठन किस तरह से काम करता है, वामपंथी हम पार्टी हैं, लेकिन आप देखिए कि बिहार में जब भोजपुर में सामंतवाद दलितों को मार रहा है, जनसंहार हो रहे हैं, तो वहाँ कौन सी पार्टी है जो खड़े होकर सामंतियों से टक्कर लेती है, सीधे सीधे खुली चुनौती देती है, उनको मरती है, मारती है, लड़ती है, खड़ी रहती है। तो भाकपा माले है कि जो जानती है कि समाज में जाति व्यवस्था किस तरह से है, जो समझती है कि जाति के नाम पर हिंसा किस तरह से हो रहा है, और वो लड़ रही होती है उस फ्यूडल कास्ट से, फ्यूडल कास्ट सिस्टम से, सामंती लोगों से, सामंती दबदबे के खिलाफ, उनके लिए, अपने लिए, जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, तमाम लोगों के लिए। तो ये हमारी कह लीजिए कि ये हमारी हमारा इतिहास है, और इसको हम लोग लेकर चलते हैं, हमारी लेगेसी है। और बिल्कुल जाति के आधार पर जो हमले हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ने वाली संगठन रही है बिहार में अलग अलग जगहों पर, तो भाकपा माले है, आज भी है। एक बात होती है कि लेफ्ट जो बात करता है रिवॉल्यूशन की, क्रांति की, तो क्या मतलब है उस क्रांति का? मुझे लगता है समाज का परिवर्तन है, समाज में समता, समाज में बराबरी। जो उगाता है वो उसका मालिक हो, जो प्रोडक्शन करता है वो उसका मालिक हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये है, समाज में एक बेहतरी हो, समाज में समता समानता की बात हो, और जिस वर्ग को, जो वर्ग पूरे देश को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, उसके हिस्से में राज हो, वो सिर्फ नीचे एक दबा हुआ काम करने वाला व्यक्ति ना रह जाए, और फसल उगाने वाला कोई और हो जाए, मतलब वो रहता है, और काटने वाले, उसको खाने वाले, उसको पकाने वाले, उसको बेचने वाले एक तबका है, तो पलटे
कि जो फसल उगाएगा बेचेगा भी, खाएगा भी, उसको रखेगा भी, ये है। और समाज के हर एक जो वर्ग है, जो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो चला रहा है पूरी दुनिया को, जो आसान भाषा में यही है कि जो उगा रहा है हर चीज़ को, जो बना रहा है हर चीज़ को, उस पर उसका अधिकार ही नहीं है। तो उस अधिकार को, उस आधिपत्य को बनाने के लिए, रखने के लिए, ये है क्रांति। मतलब मुझे यही लगता है कि अभी तक, और इससे ये होगा कि वो जैसे हिंदुस्तान में आप बात करते हैं कि जाति और वर्ग, जाति का आंदोलन, वर्ग का आंदोलन, तो हमारी पार्टी ने इसको पहले ही से बात कर ली है कि जाति और वर्ग एक दूसरे से बहुत इंटेंगल्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं। कब से, कितने टाइम पहले से? मुझे लगता है कि जब से जाति है, जब से, उसी समय से। लेकिन हमारी पार्टी तो कह लीजिए कि 67 के बाद आई है, तभी हमारी बात आप करेंगे ना, यही बात है ना। तो हमारी पार्टी कहती है, और आप देख लीजिए ना कि जो लोग काम कर रहे हैं, खेतिहर मजदूर हैं, या फिर आप कह लीजिए फैक्ट्रियों में भी एक बड़ा तबका है कि जो दलित जाति से आता है, जो निचले स्तर पर काम कर रहा है और वो बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, तो वही वर्ग की तो बात हो रही, कोई अलग नहीं है। तो यही, लेकिन इंडिया की जो सोसाइटी देखें वो कास्ट में डिवाइडेड है। सही बात है, कास्ट में डिवाइडेड है। तो फिर खाली क्लास पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि हाँ, वर्ग संघर्ष क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड सवाल है कि किसके पास क्या जाएगा, किसके हिस्से में क्या जाएगा। सवाल ये है, आपके पास कुछ नहीं है और किसी के पास सब कुछ है। आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, आप दलित हैं, आप वर्ग में भी कमज़ोर हैं उससे, लेकिन वो ऊपर है और उसके पास मेहनत नहीं है लेकिन सब कुछ उसके पास है। तो यही तो बदलना है। लेफ्ट के संगठनों में ज़्यादातर छात्र जो है अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, जैसे मैं अडानी मेरे पिताजी हैं, और ये हर जगह से आते हैं, हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं। नहीं, सिर्फ आपकी बात नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आते हैं, हर बैकग्राउंड से आते हैं लोग। और देखिए, लोग कैंपसेस में आते हैं। अब देखिए ना कि हमारी जो सबसे बड़ी जनाधार है उन गाँवों में, माले का, आयशा का, अब देखिए बिहार के छोटे छोटे गाँव में आयशा बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। और अलग यूपी के अलग अलग गाँव में आप देख लीजिए, लखनऊ के आसपास की जगह पे, सुल्तानपुर में, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह पे, पंजाब के मानसा जैसे छोटे शहरों में, तो आयशा तो यहाँ यहाँ फैली हुई है। तो और हर वर्ग से लोग आते हैं, एक बड़ा तबका है जो भी, जिसको भी लगता है कि जुल्म हो रहा है, जो देख सकता है, जो परख सकता है कि जुल्म को जुल्म कहने की ताकत रखता है, आयशा में शामिल होता है, आयशा का मेंबर होता है। जब लेफ्ट की क्रांति की बात होती है तो लाल क्रांति की बात होती है, वॉयलेंस की बात होती है, नक्सलिज्म की बात होती है, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको अर्बन नक्सल बोला जाता है जेएनयू में, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है कि लेफ्ट की विचारधारा एक है, लेकिन उसे कई कई धड़े हैं, ठीक ना, जिसमें एक धड़े में हम लोग हैं जो विश्वविद्यालय में हैं। हम लोग समझते हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र जो इस देश में फैक्ट्रियों के मजदूर हैं, जो किसानी खेती कर रहे हैं, उन तमाम लोग अपने संघर्ष के लिए खड़े रहें और वर्ग संघर्ष का हिस्सा बने, एक ये है। और तरीका हमारा है कि जन जन तक पहुंचना अपनी आवाज़ के साथ, अपनी बातों के साथ। और एक धड़ा ये भी है कि जो समझता है कि सशस्त्र से क्रांति आएगी। एक धड़ा ऐसा भी है जो समझता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स, फिर सिर्फ संसद में जाकर हमें क्रांति ला पाएंगे। अलग अलग और धड़े भी हैं, लेकिन एट द एंड यही बात है कि आप समाज को देखते कैसे हैं। आज का जो मौजूदा समाज है कि जब आप देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है समाज में, गांवों से लोग शहर भाग रहे हैं, जंगलों से लोग गांव में जा रहे हैं, एक मूवमेंट है, कंटिन्यूस एक मूवमेंट है। लोग यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, लोग नौकरियों की तलाश में जा रहे हैं, लोग
और अलग अलग जा रहे हैं, जगह जा रहे हैं, तो आप उनको क्या बंदूक से समझाएंगे, बंदूक दिखाकर समझाएंगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फेल तरीका है किसी बात को समझाना, फेल है इसीलिए वो सिमट भी रहा है। और हम हैं कि लगातार लोगों के बीच में जाकर अपनी बात, वाम विचारधारा की बात बताना, हमारी पार्टी क्या है, कैसी है, क्या कर रही है, इस बात को बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम वक्त के साथ जिम्मेदारी भी समझते हैं, और इसलिए आपके सामने एक विश्वविद्यालय में बतौर अध्यक्ष मैं बैठा हुआ हूँ, बंदूक के दम पर नहीं, बात करके, कल कॉपी कलम किताब से, अपनी आवाज़ के साथ। और मैं बंदूक के सशस्त्र क्रांति को पूरी तरह से नकारता हूँ। हम जैसे कि लगातार देख रहे हैं कि जेएनयू को टारगेट किया जा रहा है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है, पिक्चरें बन रही हैं जेएनयू जैसी और बस्तर जैसी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो फिल्में बन रही है, और जब से ये सरकार आई उस समय से ही जो उनको लगा कि उनके खिलाफ जो भी बोल रहा है उसको चुप करवा दिया जाए। और आप देखिए कि जेएनयू ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सरकार में बात कर रहा है अपना, इस सरकार में संघर्ष कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, एंटी स्टूडेंट पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहा है, लड़ रहा है। उससे पहले भी, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, कपिल सिब्बल जब MHRD में रहते हैं उस समय भी, फिर उसके बाद जब इस सरकार भी आती है तब भी बोलता है, अपनी बात के लिए खड़ा रहता है। तो आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ शटडाउन जेएनयू जैसे कैंपेन चलाए जाते हैं, RSS के मुखपत्र नवंबर के अंक में आता है कि जेएनयू आतंक का गढ़, और फरवरी में डॉक्टर वीडियो चलाने लगते हैं कि ये तो आतंकवादियों का अड्डा है, और शटडाउन जेएनयू को बंद कर दो, और ताकि जो हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ बाहर ही ना जा पाए। हम जो हक हकूक की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, मजदूर किसान का बच्चा पढ़ सके, बेहतर शिक्षा सबसे कम पैसे में पढ़ सके, इसकी हम जब पैरवी कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये बात ही ना इनको करने दिया जाए, बाहर जाने ही ना दिया जाए, नॉर्थ गेट जहाँ से आप आएँ उसके बाहर कोई बात ही ना हो, और जैसे ही कुछ बोलें तो लोग टैग कर दें इनको कि ताकि कोई सुने ही ना। और इसी क्रम में इस तरह की फिल्में आ रही हैं, और सरकार की पूरी कोशिश है कि जेएनयू को बदनाम कर दिया जाए। और ऐसी जो फिल्में आ रही हैं, बस्तर में कहा जा रहा है ना, डायलॉग है एक ट्रेलर में जब मैं देख रहा था, उसमें कहते हैं कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। तो आप जानिए कि कल के रोज़ में, मैं यही बोल भी रहा हूँ कि कल के रोज़ में हम और आप में से इस कैंपस के कोई भी जो कॉमन स्टूडेंट है, रिसर्च करने बाहर जा रहा है, फील्ड ट्रिप पर जा रहा है, कोई सिरफिरा है अगर मार ही देगा तो उसकी जिम्मेदारी क्या है सरकार लेगी? जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। सरकार से हम पूछते हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी लेंगे कि आप इस तरह की फिल्मों को चलने दे रहे हैं? सिर्फ चलने नहीं दे रहे हैं आप बना भी रहे हैं ऐसे फिल्मों को। ये थोड़ी कोई प्रोडक्शन हाउस बना रही है, ये सरकार बना रही है ऐसी फिल्म, जेएनयू जैसी फिल्म। इतना बदनाम कर दो इसको कि कुछ बोल ही ना पाए, किसानों के हक़ की बात ही ना कर पाए, मजदूरों के हक़ की बात ही ना कर पाए, दलित गरीब की बात ही ना कर पाए। यही चाह रही है सरकार, और इसी क्रम में फिल्में आ रही हैं। तो हमें तो सबको सोचना पड़ेगा इसमें कि हमें एक समाज होने के नाते, एक सामाजिक इंसान होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, हम एक छात्रों को इतना क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो सरकार को बात करना चाहिए। और देखिए ना कि कौन आता है इस कैंपस में पढ़ने के लिए, गरीब तबके से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कोई किसान का बेटा है, कोई जवान का बेटा है, कोई PWD कर्मचारी का बेटा है, अलग अलग दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के बच्चे, बाल बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, और आप उनको सबको एक कि आतंकवादी है, नक्सलाइट है, अर्बन नक्सल है, इस तरह से तोल दे रहे हैं तुरंत, और उनकी जान का आपको कोई परवाह नहीं है। तो इसके खिलाफ तो यहाँ के देश के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को बोलना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं RSS की पॉलिटिक्स के बारे में, BJP की पॉलिटिक्स के बारे में? RSS की पॉलिटिक्स यही है कि देश को इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया जाए कि हम अपनी राजनीति रोटी सेक सकें,
एक विचारधारा को परोस दिया जाए, लोगों के मन में नफरत भर दिया जाए किसी एक धर्म एक समुदाय के खिलाफ। और यही तो बहुसंख्यकवाद की राजनीति यही होती है कि जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ इस तरह का जहर भर दो कि जो मेजॉरिटी है वो आपके पक्ष में रहे हमेशा। लेकिन देश तो ऐसा नहीं है, संविधान तो ये नहीं कहता है। संविधान तो कहता है कि देश हर धर्मों का है, हर लोगों का, हर मजहब का है। तो आप आरएसएस के लोग संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को हमें इस देश से निकालना होगा, ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो संविधान तोड़ने की बात करेगा और संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा। कि देश तोड़ने की बात का तो लेफ्ट को बोला जाता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। वही बात कर रहे हैं कि जब हम देश के हाशिए पर के लोगों की बात कर रहे हैं या मजदूरों किसानों की बात कर रहे हैं, जो देश के जो देश को चलाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस क्या कर रही है, फूट डालो राज करो। उनके आरएसएस के लोग जब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ाई हो रही थी, तो उनके पक्ष में खड़े थे, उनके तरफ थे। आप जानिए कि ऐतिहासिक तथ्य ये है कि सावरकर त्रावणकोर के महाराजा को जो वहाँ का रहते हैं उनको लिख, जब त्रावणकोर का बोलता है कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, तो उसकी तरफदारी करता है सावरकर। बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा ये त्रावणकोर, उसके पक्ष में खड़ा होता है। तो शुरू से तोड़ने की बात कर रहा है। और ये बात आज करते हैं कि अखंड भारत, लेकिन आप तोड़ने की राजनीति में तो पहले ही से आरएसएस और हिंदू महासभा ये तमाम लोग लगे हुए थे। एक तरफ अंग्रेज़ों की चटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे, महात्मा गांधी को गोली मार रहे थे, कैसे लोग देश इनकी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किसानों से गद्दारी कर रहे हैं, ये देश के किसान जो अन्न उगाते हैं, देश का पेट भरते हैं, उनके साथ गद्दारी करते हैं और अडानी अंबानी के साथ मिलकर उनकी यारी है उनके। यही अंग्रेज़ों से ही तो सीखा है इन्होंने कि गांधी से नफरत और ब्रिटिश से, ब्रिटिश हुकूमत से मोहब्बत, वो आज भी इनमें दिख रहा है। यही चीज़ है। तो ऐसी विचारधारा को हमको ख़त्म करना होगा इस देश में, क्योंकि जो बांटने पर एक भाई भाई को नहीं रहने देगा, एक पड़ोसी पड़ोसी को पे हमला करने के लिए ये तैयार कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल के दौर में हमें लाना चाहते हैं। देश तो मोहब्बत से बनता है, समाज मोहब्बत से चलता है, लोग एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखें, एक दूसरे के हक और हुकूक़ में साथ दें, संघर्ष में साथ दें, देश उससे बनता है। देश तोड़ कर नहीं बनता है जो आरएसएस बीजेपी कर रही है। हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। इस तरीके के स्लोगन्स जो है जेएनयू में लगाते हैं लेफ्ट के स्टूडेंट, तो क्या आज़ादी है? देश तो आज़ाद हो चुका है, तो फिर किस आज़ादी की जो है मांग कर रहे हैं? देखिए, देश तो आज़ाद हो चुका है, सही बात है। किसी के लिए 2014 में भी आज़ादी हुई थी, मैडम उन्होंने काम करते हैं, बोलते 2014 में आज़ादी। हमारे लिए इस देश में हाशिए पर के लोग बात कह सकें इसकी आज़ादी। इस देश में बिना रोटी खाए अगर कोई सो रहा है, खिलाफ आज़ादी, मरीज के खिलाफ आज़ादी, इस जातिवाद के खिलाफ आज़ादी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आज़ादी, मनुवाद के खिलाफ आज़ादी, उस जो संघी आरएसएस से आज़ादी, इस आज़ादी की हम बात करें। नारा तो ये भी लगता है हमारे यहाँ कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा, नारा ये भी लगता है कि सबको शिक्षा, सबको काम, वरना उनकी नींद भरा, ये हमारे नारे हैं। नारों के साथ हम जीते हैं, जय भीम से लेकर लाल सलाम से लेकर भगत सिंह के नारे लगते हैं, राम प्रसाद सिंह के नारे लगते हैं, जसपाला खां के नारे लगते हैं, हम तमाम नारों को लगाते हैं और उन नारों से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, जो हर मजलूम के पक्ष में खड़ी होती आवाज़, जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती आवाज़ है, तो ये हमारे नारे। और ये डफली भी जो है आप लोग लेके घूमते हैं? डफली तो हमारा हथियार है, डफली इस कैंपस का हथियार है, और जिसके जो इस कैंपस में प्रोटेस्ट को एक नई ऊंचाई देता है, डफली बजाना कोई ख़राब बात है।
बांसुरी बजाने से ये होता है कि रिदम, छात्रों की आवाज़ एक साथ, और ये आवाज़ ऐसी है कि सब कांपता है, डफली से बहुत डरता है। यही बात करेगी, हम डफली बजा कर ही लाते हैं, हम डफली बजा कर ही संघर्ष करते हैं, हम डफली बजा कर ही संघर्ष के मैदानों में खड़े रहते हैं। हमारी जान है आपका जान। सुना है कि आप जो है पोएम भी लिखते हैं, तो अगर कुछ है सुनाने लायक किसी और का हो तो सुनाइए। मुझे लगता है इस वक्त का जो मौजू है, मौजूदा दौर है, उस पर फैज़ लिखते हैं कि और जो ये जीत हमें मिली है यह है कि यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, यूँ ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मनीष, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी जो है अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे जो है हितेश, मैं मनीष, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।